हेलो व्यूअर्स, आई एम सुरेश सिंह गहलोत, गुरुकुल एकेडमी फ्रॉम जावा। डे स्टूडेंट्स, आज आपको बताने जा रहा हूँ, मैं सामाजिक विज्ञान में गेस्ट पेपर बताने जा रहा हूँ, भाग दो। भाग एक, इसके पहले मैं एक भाग एक बता चुका हूँ, अपलोडिंग कर चुका हूँ। आप तो गेस्ट पेपर मेरे भाग एक और भाग दो, आप दोनों को अवश्य देखना है। यह सामाजिक विज्ञान में 2019 में होने वाली परीक्षा के अंदर अवश्य आ सकते हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दो अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। पांच प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, भूमजल पानी के स्रोत क्या है एवं खनिज पदार्थ का महत्व क्या है। इसके अर्थों में क्वेश्चन आ सकता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है तथा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखो। ये जो पहला प्रश्न है, पार्ट एक में से लिया गया प्रश्न है। लाल रंग के अंदर मैंने नंबर बी डाल दिए इधर, ताकि आपको ढूंढने में आसानी होगी। प्रश्न नंबर दूसरा है, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। इसके अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करो तथा हड़प नीति क्या थी। ये पार्ट छः में से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, इंडिया विजन 2020 क्या है तथा मुद्रा के दो कार्य लिखो। इसमें तो क्वेश्चन आ सकता है अथवा में ATM क्या है। ये पार्ट 12 में से पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर चौथा है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को उदाहरण से लिखो और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिक्षा क्यों आवश्यक है। ये पार्ट 13 में से लिया गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर पांचवा, उपभोक्ता के दो कर्तव्य लिखो तथा ISI क्या है और इसके अथवा में एकाधिकार क्या है तथा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किया है। प्रश्न पांचवा पार्ट 14 में से पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद इस पांच प्रश्न जो दो नंबर के पांच प्रश्न आएंगे एग्जाम में, इसके बाद अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं 3 अंक के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को लिखो। इसके अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, हरित क्रांति क्या है इसकी विशेषताएं लिखो। पार्ट एक में से पूछा गया प्रश्न है। ये 3-3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान लिखो और इसके अथवा क्वेश्चन आंसर, खनिज पदार्थ का महत्व क्या है। ये दोनों ही पार्ट एक में से प्रश्न पूछे गए। प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो दोनों ही पार्ट एक में से एक के प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय संतुष्ट क्यों थे और इसके अथवा में सन 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। प्रश्न नंबर तीसरा पार्ट छः में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य लिखो और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आ सकता है, सन 1857 के संग्राम की असफलता के कोई 3 कारण लिखो। प्रश्न नंबर चौथा पार्ट छः में से पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से पार्ट 3 अंक के क्वेश्चन आपने को बताएं। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अंदर पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो एवं विदेशी व्यापार क्या है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, संचार साधन क्या है, किन्हीं 4 संचार साधनों का वर्णन करो। ये पार्ट जो पहला प्रश्न है पार्ट 2 में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने के 4 उपाय लिखो और इसके अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का वर्णन करो। ये प्रश्न नंबर दूसरा पार्ट 3 में से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर तीसरा, आपदाओं से क्या तात्पर्य है या कितने प्रकार की होती है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूखा आपदा से निपटने एवं बाढ़ नियंत्रण के 4 उपाय लिखिए। जो प्रश्न नंबर तीसरा है वो पार्ट 4 में से पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर चौथा, रोलेट एक्ट क्या था समझाइए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आ सकता है, टिप्पणी लिखना है, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर पांचवा, भारत चीन युद्ध में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा क्यों की लिखिए और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आ सकता है,
भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ, जो प्रश्न नंबर पांचवा है, पार्ट आठ में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर छठा, संसदीय शासन प्रणाली या संघात्मक शासन प्रणाली की चार विशेषता लिखो, और इसके अथवा जो क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों वर्णन करो, जो प्रश्न नंबर छठा है, पार्ट नौ में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है प्रश्न नंबर सातवा, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की कोई चार विशेषता लिखो, और इससे अथवा जो क्वेश्चन आ सकता है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख चार कारक लिखिए। इस प्रकार ये चार नंबर के चार चार नंबर के साथ प्रश्न आएंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये पांच अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक करिए और शेयर अवश्य करना, और इस वीडियो चल रही इस वीडियो के जस्ट नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन लगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुँच रही है। चलो अब आपको बताने जा रहा हूँ अंक पाँच अंक के एक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मौसम एवं वायु संबंधी संकेतों को अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखना है, सूर्य का अवकाश, वर्षा, हिम, ओला, कुहासा, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आ सकता है, मानचित्र का रहेगा कि भारत के मानचित्र में दर्शाना है, अरावली श्रृंखला, नीलगिरी, कर्क रेखा, नर्मदा नदी और तारापुर अणु विद्युत ग्रह। जो प्रश्न पहला है, ये पार्ट पाँच में से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मैंने क्वेश्चन पार्ट के नाम भी डाल दिया कि आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ढूंढने में आपको असुविधा नहीं होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, पांच कारण लिखिए, और उसके अथवा में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखो। जो प्रश्न नंबर दूसरा है, पार्ट सात में से पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय असंतुष्ट क्यों थे, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, टिप्पणी लिखना है, आज़ाद हिंद फौज, तात्या टोपे, वीरांगना मुंतीबाई और रानी लक्ष्मीबाई। ये प्रश्न नंबर तीसरा पार्ट आठ में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन करो, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आ सकता है, मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन करो, ये प्रश्न नंबर चौथा पार्ट दस में से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत, प्रश्न नंबर पांचवा, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय लिखो, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के पास कारण लिखिए। जिस प्रकार मैंने आपको सारे टोटल लाइन के क्वेश्चन बताए, आप मेरी इस भाग को और इसके पहले जो मैंने वाक्य अपलोड करिए, दोनों भाग को अवश्य देखना। गेस्ट पेपर एक और गेस्ट पेपर दोनों को अच्छी तरह से आप सवाल हल कर लेते हैं तो डेफिनेटली परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो।